चित्रांगदा आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड, वेरी डिफरेंट एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट इन म्यूजिकल डांस ड्रामास. मैंने काफ़ी कुछ सुना है और इसके मेकिंग के बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ सुना है कि एक तो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ उनकी सोच है, उनकी कहानियाँ हैं. महाभारत के युग को लेकर एक स्टोरी है. इसकी कास्ट बहुत अमेजिंग है और इसमें ओरिजिनल म्यूज़िक है जो इन्होंने फर्स्ट टाइम हिंदी में रिकॉर्ड किया है. ये प्ले बंगाली में काफ़ी परफॉर्म किया जाता है लेकिन ये फर्स्ट टाइम हिंदी में हो रहा है. एंड इसकी जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है वो मधुमिता हैं. मधुमिता इज़ समबडी हु हैव वर्कड विथ इन द लास्ट 20 ईयर्स मोर देन 50 टाइम्स एंड आई रियली एडमायर हर स्टाइल ऑफ कोरियोग्राफी एंड हर क्रिएटिविटी. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड कुछ अमेजिंग विजुअल्स, स्पेक्टिकल्स, कुछ अमेजिंग कोरियोग्राफी, डांसेस. और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है नए म्यूज़िक का. बहुत कम होता है कि स्टेज प्लेज में आपको ओरिजिनल म्यूज़िक सुनने मिलता है. सो इफ इट्स अबाउट 1.5 आवर ऑफ ओरिजिनल म्यूज़िक दैट दे हैव रिकॉर्डेड. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. And what's your take on the kind of event that's been organized to promote the musical play? काफी कम देखने को मिलता है. I think बहुत difficult है हमारे हिंदुस्तान में म्यूजिकल प्ले करना unless it is backed by somebody very big. तो ये खुद एक साहस करना, कम से कम 30-40 परफॉर्मर्स को लेकर इतनी रिहर्सल्स करना, ओरिजिनल म्यूजिक रिकॉर्ड करना. इन्होंने कोलकाता जाके ओरिजिनल म्यूजिक रिकॉर्ड किया है, कॉस्ट्यूम्स के लिए बहुत रिसर्च की है. तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जो विदाउट एनी बैकिंग या स्पॉन्सर्स करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन इन्होंने वो साहस किया है और ऐसे साहस की मैं कद्र करता हूँ. और मैं यही प्रे करूँगा कि ये लोगों को बहुत पसंद आए और इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ और खुले, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स की बहुत कमी है. सब लोग वही जो पहले से चल रहा है वही वापस परोस रहे होते हैं. यहाँ पे अगर कुछ ओरिजिनल कर रहा है तो बस यही प्रयास है और यही एनकरेजमेंट है मेरे तरफ से कि ये शो बहुत अच्छा चले. थैंक यू. आपका ले लेते हैं. मैम पोस्ट चेंज. मैम कैमरे की तरफ देखिए. अभी का आज आप यहाँ चित्रांगदा प्ले की म्यूजिकल एक ऑर्गेनाइज जो भी आज इवेंट रखा गया उसको प्रमोट करने के लिए, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन द एंटायर इनिशिएटिव टेकन बाय द टीम? सबसे पहले तो मैंने कभी एक लाइव म्यूजिकल इंडिया में होते हुए इतने बड़े लेवल पे नहीं देखा. तो मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग है पर्सनली, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है और लाइव परफॉर्मेंसेस देखने में एक अलग ही मज़ा आता है. और स्पेशली व्हेन यू आर योरसेल्फ अ परफॉर्मर आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है. सो मेरे लिए आज ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट पर्सनली बट इवन प्रोफेशनली, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलता है ऐसे शोज से. और रही बात स्पेशली चित्रांगदा की, तो मेरे जो दोस्त हैं मधुमिता जी, उन्होंने ये क्रिएट किया है, डायरेक्ट किया है, कोरियोग्राफ किया है और ये उनका सपना रहा है 2015 से. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए एज फ्रेंड्स कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें और बहुत अपना सपोर्ट दें. एंड आई एम सीइंग कि बहुत सारे लोग जो भी देख कर बाहर आ रहे हैं वो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं. सो इट्स एक्साइटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. You have also been a part of theaters some year back when you started your journey. Not at all. For a fun fact, मुझे बहुत डर लगता है स्टेज पर जाने से, परफॉर्म करने से, जो मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने आज तक कभी थिएटर नहीं किया. एंड इसीलिए मैं आई थिंक आज ये देखने आ रही हूँ कि लाइव परफॉर्म करना कितना डिफिकल्ट है. एंड लाइक आई सेड, इट्स वेरी एक्साइटिंग एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर योर सेल्फ टू लर्न समथिंग न्यू. संदीप सुपारकर जी को हमने डांस करते हुए सालों से देखा है, मैं उनके काफ़ी लाइव शोज पर जा चुकी हूँ, उनको परफॉर्म करते हुए देखना एक डिलाइट होता है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि काश कभी ऐसा मौका मुझे भी मिले. थैंक यू.
Of course, you'll get some chance to explore more and more. Thank you. But talking about you, what's going on right now along with work side? अभी तो Bloody Ishq release होने वाली है बहुत जल्द विक्रम जी और महेश जी के साथ, जो मेरी दूसरी फिल्म है, and I'm very excited. बहुत ज़्यादा उस बारे में बात करना चाहती हूँ, बट दिस इज़ ऑल आई कैन रिवील राइट नाउ. उसके अलावा आंड्रे रसल्स के साथ मेरा एक गाना आ रहा है, विच इज़ वो भी बहुत ज़्यादा यू नो एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया पे, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है रसल को ऐसे लुंगी पहनकर डांस करते हुए. सो मेरे लिए शूट करते वक्त भी बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि मैंने भी कभी एक क्रिकेटर को, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर को, ऐसे इंडियन गाने पर खुद गाते हुए डांस करते हुए नहीं देखा. सो It's impressive and I can't wait for the 9th. So how is the experience right now of that switch from TV to now into the mainstream? It is nice. I think TV ki wajah se bahut zyada logo ne apne ghar ka member mana hai aur us wajah se bahut pyar milta hai aur us wajah se log movie dekhne jaate hain, gaane dekhte hain, us wajah se itna pyar milta hai. So TV being the roots, I'm never going to forget and I'm very grateful, kyunki टीवी ने जो मुझे प्यार दिया शायद वो अदरवाइज नहीं हो पाता. Lastly, anything to your fans and audience? Right now I'm extremely excited for Chitrangada and I would request, अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट की है. सो इट्स गोना बी योर चांस इन जुलाई अगेन टू विटनेस दिस, और मैं फिर आऊँगी, हम फिर मिलकर देखेंगे. एंड आज मैं ये बहुत इन्जॉय कर रही हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. थैंक यू सो मच. भाई हाथ हाथ एक्साइटमेंट है. और मेरी जो दोस्त है मधुमिता जी, जिन्होंने ये कोरियोग्राफ डायरेक्ट और क्रिएट किया है, मैं उनके सपोर्ट के लिए यहाँ आई हूँ ताकि उन्हें इंकरेजमेंट मिले. और परफॉर्म कर रहे हैं सुहासी जी और संदीप सुपारकर सर, और उनके तो हमने बहुत सारे शोज़ देखे हैं, संदीप सुपारकर जी के मैंने काफ़ी लाइव शोज़ देखे हैं, लेकिन आज ये चित्रांगदा बहुत स्पेशल है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो भी मेरे पहले वाले शो से बाहर आ रहे हैं बहुत तारीफ़ कर रहे हैं. सो मुझसे रहा नहीं जा रहा, हैव टू गो इनसाइड एंड जस्ट वॉच. डांस कितना पसंद है अभी का? बहुत ज़्यादा. और जब बात आती है लाइव परफॉर्मेंस की, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रैक्टिस वाली बात है. ये इजी नहीं है, यहाँ कोई रीटेक्स नहीं होने वाले हैं, ये लाइव है. और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है किसी भी परफॉर्मर के लिए. तो जैसे कि मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस सिर्फ अवार्ड शोज़ में किए हैं, और वो सिर्फ ऐसा 6-7 मिनट का परफॉर्मेंसेस होता है. दिस इज़ 1.5 घंटे आपको एक स्टोरी के द्वारा, डांस करके, म्यूज़िक के द्वारा आपको एक पूरी कहानी बतानी है. इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग. इवन एज अ परफॉर्मर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. अभी का बालिका मधु से बात करें, लाइफ में कितना चेंज आया या कैरियर के लिए कितना मील का पत्थर साबित हुआ? एक शो ने लिटरली लाइफ चेंज कर दी, डेफिनेटली. और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में बालिका मधु जैसा एक शो आया, जिसकी वजह से आज भी मुझे बहुत प्यार मिलता है. आंटीज आके मेरे गाल खींचती हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना अटेंशन मुझे मिलता है, इतना सपोर्ट मुझे मिलता है, और ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि मेरे आजकल जितने भी फिल्में, गाने, जो कुछ भी आता है, वो सिर्फ उस आनंदी के प्यार की वजह से लोग देखते हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आनंदी को क्या पसंद है? डांस, म्यूजिक, सब कुछ? सब कुछ. आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं आपके? आने वाले प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ दो अनाउंस कर सकती हूँ. जो एक गाना है आंद्रे रसल के साथ, जो उन्होंने गाया है और उन्हें लुंगी पहनाकर हमने बहुत डांस करवाया है, 9th को आ रहा है वो गाना, लड़की तो कमाल की, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट वन. और दूसरी जो मेरी फिल्म है विक्रम भट्ट जी के साथ ब्लडी इश्क, वो भी बहुत जल्दी आ रही है. और एंड आई कांट वेट फॉर मोर अनाउंसमेंट्स, बट आई कांट अनाउंस राइट नाउ. थैंक यू सो मच. थोड़ा पीछा ना, पूरा फुल मिले. 18 to 34 मैम, थोड़ा यहाँ भी कर लेते, थोड़ा आगे आ जाइए. Thank you.
डाउन करूँ लेंस में। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे सामने मैम थैंक यू। इधर सर सामने सर इधर सामने लो भाई रोलिंग है। फर्स्टली यू आर इनवाइटेड हियर ऑन चित्रांगदा का जो इवेंट है फॉर द प्ले, व्हाट डू यू वांट टू सी, क्या फीलिंग है अभी इस वक्त एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस फॉर थिएटर एंड प्लेज? ऐसे जो आई हैव बीन अ ह्यूज फैन बिकॉज़ सबसे पहले प्ले का नाम है चित्रांगदा एक सशक्त नारी। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ महाभारत, तो मैंने खुद स्टार्प्लस की महाभारत की है एज धृतराष्ट्र, तो मुझे महाभारत की पूरी स्टोरी काफ़ी हद तक पता है एंड एनीथिंग रिलेटेड टू महाभारत एम ऑल गेम्स। एंड इस बार मुझे जब इनविटेशन आया तो मैंने कास्ट में देखा संदीप सोपारकर सर, आई मीन अ वेरी सीनियर एंड एन अमेजिंग डांसर परफॉर्मर, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी एंड स्पेशली थिएटर के प्रति मेरा बड़ा लगाव है बिकॉज महाभारत के टाइम पर भी जब हमने अपनी तैयारी शुरू की थी तो थिएटर के ही बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं जो मेरे गुरु भी हैं, रजत कपूर एंड नसीरुद्दीन शाह सर एंड शहनाज एंड कपल ऑफ मोर अदर डिफरेंट थिएटर एक्टर्स जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे थिएटर जाने का सौभाग्य नहीं मिला लेकिन इस रोल के माध्यम से थिएटर के काफ़ी लोग मेरे पास आके मुझे सिखा कर जा चुके हैं, तो जिसकी वजह से आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर थिएटर एक्टर्स एंड हैविंग सेड दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। तो मुझे देखना है कि आज चित्रांगदा के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुन के साथ उनकी प्यार की कहानी कैसी है वो मैं जानने के लिए आ जाऊँ। ये इनिशिएटिव जो है इसको कैसा देखते हैं आप, जो एक अभी बहुत कम देखने को मिलता है जिस तरीके से म्यूजिकल प्लेस को प्रमोट किया जाता जी, है जी, जी। तो कमिंग इंटायर एज़ अ थीम और उसके बाद इस तरीके से एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना एज़ अ थिएटर बिकॉज कमर्शियल I think the kind of creativity that we are getting in through, I think it's amazing and remarkable, especially with OTT coming in. We are being constantly challenged कि हम अपना creative content और कितना beautiful बना सकें। And अगर आप एक और चीज़ notice करेंगे वो ये कि हमारे Indian traditions और historical जितने भी events हैं उसके ऊपर अब निकल के आ रहे हैं कि content, जो कि मैं समझता हूँ आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, एवेंजर्स के फैंस हैं, लेकिन हमारे अपने इंडियन कल्चर में हम देखें तो महाभारत में ही इतने ज़्यादा कलाकार, इतने ज़्यादा किरदार हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंस्पायरिंग है एंड आई थिंक वो अगर जैसे तैसे हम रंगमंच पर लेकर आते हैं और लोगों को दिखाते हैं तो इस गुना पर अमेजिंग है। थिएटर में लोग जाते हैं बट एट द सेम टाइम मैं चाहूँगा कि हमारे स्पेशली जनरेशन आज की तारीख में वो उतना ही ये प्लेज और थिएटर्स को आकर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर मैम फर्स्टली वुड लाइक टू नो अबाउट आप आए हुए हैं यहाँ पे चित्रांगदा प्ले के लिए, क्या कुछ कहना है आपको अबाउट द प्ले एंड हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर द प्ले? आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज समबडी हैज ट्राइड टू अटेम्प्ट चित्रांगदा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रविंद्रनाथ टैगोर, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड आई थिंक मोर देन एनीबडी एल्स एंड द वे द क्राउड हैज फुल, मतलब 6:30 का भी शो हाउसफुल था, अभी 8 का भी शो हाउसफुल है, सो आई एम रियली वेटिंग बिकॉज ऑलरेडी 6:30 का शो का इतना माउथ स्प्रेड हो चुका है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। योर फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड इन द प्ले, व्हाट्स फॉर देम इफ एनीथिंग यू वांट टू से? माय फ्रेंड्स आई मीन फ्रेंड्स हो नहीं हो एज अ कलाकार मैं ये बोलना चाहती हूँ सबके लिए ऑल द बेस्ट एंड यू ऑल कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज कीप रॉकिंग। लाइफ आई हैव फिनिश्ड धारावी बैंक एंड वी आर प्लानिंग टू डू दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट सीजन 2 एंड देन आई एम डूइंग अ तमिल मूवी विद वेट्रीमारन सर इन डाउन साउथ एंड देर आर कपल ऑफ मूवीज एंड ओटीटीज डिस्कशन गोइंग ऑन एंड देन यस।
थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. Really, that was outstanding. I was watching it last night. Yeah, thank you. I was really.